Yes, everyone, how are you doing? I hope you're doing amazing. Yes. एक मिनट मुझे देखने दीजिए क्या हम लोग YouTube पर भी लाइव आ चुके हैं या नहीं. एक सेकेंड. And yes, we are live on YouTube as well. So good afternoon, everyone. तो आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं नेस्ले कंपनी से. नेस्ले कंपनी करेंगे, टाटा करेंगे, वक्त बचा तो और भी कंपनीज कर लेंगे, और उस कंपनीज का कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे रिविजन. जैसे कि हम लोग रोज रिविजन करते रहते हैं, आपको पता होगा, वैसे ही हम लोग रिविजन करते रहेंगे यहाँ पर भी. राइट Everyone, good evening, Akib भैया, डागाटेन बाबा की जय, डागाटेन बाबा की जय, डागा बाबा की जय, डागा बाबा की जय. Yes, let the magic begin, everyone. जल्दी से फटाफट से अपने सारे दोस्तों को बता देना कि भैया is live, Akib भैया is back and we can get started so that हम लोग अभी शुरुआत कर सकते हैं, right? शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों का एक मिनट चाहूंगा. मैं आप लोगों को फटाफट से बता दूं, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो वो जा सकते हैं अनएकेडमी की वेबसाइट पर. देखना यहाँ पर आप लोग जैसे अनएकेडमी की वेबसाइट पर जाते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट लर्निंग पर आपको करना होगा क्लिक. जैसे ही आप लोग स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हो आपको आपका गोल सिलेक्ट करना होगा जो की है CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन को जैसे ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया, You can search me over here, guys. आप लोग यहाँ पर अखिलेश डागा, ठीक है, अखिलेश डागा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. जी हाँ, आप लोग मुझे फॉलो करना भूलिएगा मत. Everyone, you can just follow me over here. आप लोग मुझे हैट डेडिकेट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये पढ़ता हूँ. कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हो तुम लोग, ठीक है. सो बहुत ही अमेजिंग लगता है देखना. यहाँ पर 5 hours ago यहाँ पर लिखा है कशिश साहू ने, So your teaching style is amazing and you make each topic so easy to understand. Thank you so much, Kashish Sahu. फिर यहाँ पर देखना ये है 1 hour ago Shruti ने लिखा है. Thank you sir for the lovely teaching. Hope you and will be with us throughout the journey. Yes, I am with you throughout the journey. Absolutely yes. और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग. You are an awesome teacher. Teaching made us understand more easily. Now I'm confident and I'm surely I can score 90 plus. Thank you for your efforts and love. Thank you so much. Thank you so much. So guys, thank you so much for this beautiful dedication जो आप लोग देते हो. यहाँ पर देखिए आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप लोग कोई भी बैच पर जा सकते हो. यहाँ पर जैसे कि देखना यह है एकाग्रता. एक और बैच आने वाली मिशन सक्सेस, और भी बैचेस आने वाली है आगे. जी हाँ, RTP MTP बैच भी आएगी. So yes, definitely guys, if you want to take the subscription, आप लोग ले सकते हो. ये है plus subscription, ये iconic subscription, और ये है तुम्हारा light subscription. Light subscription में क्या होता है? Light subscription में only and only आप लोगों को test series मिलेगी, लेकिन plus and iconic में आप लोगों को क्या मिलेगा? Plus and iconic में आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर India के best educators, interactive live classes, structured course and PDF and live test and quizzes, and iconic में कुछ चीजें मिलेगी आपको extra. प्लस इज मस्ट, एब्सोल्युटली प्लस इज मस्ट, बिकॉज यहाँ पर होती है पढ़ाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल. यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलते हैं. यहाँ पर आपकी ये जो कंप्लीशन होती है बैच वो होती है आरटीपी एमटीपी के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ भी. यस, नए बैच भी एक्सेस आप लोग मतलब उस बैच का भी एक्सेस कर सकते हो. बिल्कुल आप लोग उस बैचेस का भी एक्सेस कर सकते हो. डागा 10 इज द कोड. द फीस इज वेरी नॉमिनल. 6 months का सब्सक्रिप्शन 11,880, 12 months का सब्सक्रिप्शन 15,580, 18,900 एंड 21,780. You can proceed to pay. You can go for the combo subscription as well. Combo subscription भी बहुत सस्ता है. 2 साल का subscription आप लोगों को 36,061 में मिलता है. Yes. So guys, you can think about it and you can just get started with your plus classes. तो चलिए अभी अपन शुरुआत करते हैं अपने lecture से. Right? Yes. अभी मैं शो हो रहा हूँ बेटा. जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तब शो नहीं होता हूँ. बाकी मैं बाद में नॉर्मली अभी शो कर रहा हूँ. ठीक है. यस, तो यहाँ पर कौन कौन बातें कर रहा है? अभी बातें नहीं करने की, अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. चलिए, अभी जो बात करेगा मैं उसको ये कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, ज्यादा बातें नहीं है.
थोड़ी थोड़ी बातें, जास्ती बातें नहीं करने का, जास्ती बातें नहीं करने का, अदरवाइज मैं ब्लॉक करेगा, मैं ऐसा ब्लॉक करेगा, ऐसा ब्लॉक करेगा एक एक को। फिर मत कहना सर आप बहुत खराब हो सर, आप कितना ब्लॉक करते हो सर। मैं वैसे करता हूं नहीं किसी को कभी भी, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी, ठीक है। एक बार डागा बाबा की जय बोलकर स्टार्ट करें प्लीज, ठीक है। डागा बाबा की, यस, कम ऑन एवरीवन, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, नेस्ले कंपनी से शुरुआत कर रहे हैं बेटा। नेस्ले कौन सी कंपनी है? मैगी, मैगी, मैगी। कौन सी कंपनी है? मैगी, मैगी, मैगी। तो यस बच्चा पार्टी, आज हम लोग मैगी कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। यस, तो आप लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं बेटा, ये किटकैट वाली कंपनी है, ये मैगी वाली कंपनी है। यस, ओके, तो शुरुआत करते हैं इस मैगी वाले कंपनी से, शुरुआत करते हैं इस मैगी वाले कंपनी से। तो बच्चा पार्टी, ये कंपनी जो है ये बहुत पुरानी कंपनी है, और पुरानी नहीं बहुत अमेजिंग कंपनी है, पुरानी नहीं बहुत अमेजिंग कंपनी है। क्योंकि बच्चा पार्टी, ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है कब शुरू हुई थी, डू यू हैव एनी आइडिया? अरे आजादी से कितने साल पहले ये कंपनी शुरू हुई है, आजादी से कितने साल पहले ये कंपनी शुरू हुई, 1866। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर के देश की कंपनी है बेटे, ये कहां की? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वीवी स्विट्जरलैंड में इनके हेडक्वार्टर्स है। कहां पर? वीवी स्विट्जरलैंड में इनके हेडक्वार्टर्स है। इस कंपनी का स्लोगन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या इस कंपनी का स्लोगन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में? गुड फॉर गुड लाइफ, गुड फॉर गुड लाइफ, गुड फॉर गुड लाइफ, ठीक है। तो यार ये ऐसी कंपनी है जो बिलीव करती है गुड फूड एंड गुड लाइफ में, राइट। 1866 में कंपनी शुरू हुई थी एमसीक्यू। इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वीवी स्विट्जरलैंड में इनके हेडक्वार्टर्स है। तो बच्चा पार्टी, यहां पर हम आपको कहना चाहते हैं कि ये कंपनी ने क्या सोचा पता है? ये कंपनी का ऐसे कुछ मिशन है और ऐसे कुछ इनकी सोच है कि अगर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक अगर उसको कुछ भी खाना है और कुछ भी हेल्दी खाना है तो वह अपने कंपनी का खाना चाहिए। क्या? सुबह से लेकर शाम तक जब इंसान कुछ भी खाता है, बीच में सुबह उठ के नाश्ता कर रहा है, तो उसने ओट्स अपने कंपनी के खाने चाहिए। छोटे बच्चों को भूख लग रही है तो सेरेलैक अपने कंपनी का खाना चाहिए। दूध में तुम लोग बूस्ट मिलाते हो तो वो माइलो जो है, जैसे बूस्ट है वैसे ही माइलो है, वो भी इसी कंपनी का होना चाहिए। अगर तुम्हें छोटी छोटी भूख लगी है तो छोटी छोटी भूख के लिए मैगी, वो भी तुमने इसी कंपनी का खाना चाहिए। तो ये कंपनी चाहती है कि तुम लोग जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी खा रहे हो वो हमारी कंपनी का खाओ, ऐसे उनका मोटो है। और ऐसे ही उन्होंने क्या किया पता है? ऐसे ही उन्होंने 2000 से ज्यादा ब्रांड्स इनके हैं, 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स नहीं प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, 2000 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर तुमको ये केक, केक नहीं क्या घर पे बनाते केक, तो उसमें जो मिल्कमेड होता है वो इसी कंपनी का है, ठीक है, वो इसी कंपनी का है। तो यार ये कंपनी का मिशन बहुत बड़ा है, एंड डेफिनेटली इसलिए ये कंपनी इतनी बड़ी बनी है क्योंकि उनकी सोच बहुत बड़ी है। ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कुत्ता है, अगर तुम्हारे घर में कुत्ता है तो कुत्ता जो खाएगा वो भी नेस्ले कंपनी का खाना चाहिए। पेट केयर में भी है ये, क्या? पेट केयर में भी है। अगर तुम्हारे घर में तुम नहीं खा रहे हो नेस्ले का तो तुम्हारा कुत्ता खाना चाहिए, ठीक है, तुम नहीं खा रहे हो अगर कोई प्रोडक्ट नेस्ले का तो तुम्हारा कुत्ता खाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे इस कंपनी ने क्या बोला है बच्चा पार्टी, ऐसे इस कंपनी ने इतनी इतनी सोच बड़ी रखी है बेटा। तुमको कैडबरी खानी है तो किटकैट की कैडबरी, तुमको केक खाना है तो मिल्कमेड, बिस्किट खाने हैं तो नेस्ले की, मैगी खानी है तो नेस्ले की, ठीक है। हर घर में, हर घर में नेस्ले चाहिए, ऐसे उनका सपना है। और बच्चा पार्टी, इन्होंने वैसे किया, ये कंपनी करीबन 195 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को बेचती है। कितने? 195। अरे मजाक है क्या? 195, सीरियसली मैन, अमेजिंग, अमेजिंग। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कंपनी पहले सिर्फ एक क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ पहले एक बेटा
मिल्क कंपनी हुआ करती थी, ड्रिंक कंपनी हुआ करती थी, और धीरे 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 इन्होंने इतना बड़ा किया इसको, ठीक है। हम देखेंगे दो कंपनी, दो बड़ी कंपनीज थी और दो बड़ी कंपनीज एक दूसरे से बीट कर रही थी, दो बड़ी कंपनी एक दूसरे से क्या कर रही थी, बीट कर रही थी। बाद में उन्होंने सोचा कि अपन एक हो जाते हैं, और तब जाकर ये एक हो गई, और तब इन्होंने ये नेस्ले शुरू किया, ठीक है। हेनरी नेस्ले ने शुरू की कंपनी को, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा, बुक में जाते हैं, बहुत अमेजिंग कंपनी है बेटा। तुमको कॉफी डेट पर जाना है तो नेस्कैफे, कहां पर कॉफी डेट पर जाना है तो नेस्कैफे। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? तो बहुत जोरदार कंपनी है ये, हर घर में इसके प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। कॉफी मंजे नेस्कैफे। ऐसे उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे उन्होंने दिमाग में डाल दिया है। इनके चेयरपर्सन कौन है? इनके चेयरपर्सन है पॉल बल्की इनके चेयरपर्सन है, और इनके सीईओ का नाम क्या है? सीईओ का नाम है उल्फ मार्क स्नाइडर। ये दोनों याद रखने हैं सर? जी हाँ, ये दोनों याद रखने हैं। यस यस सर, बुक में 191 कंट्रीज दिए हैं। हाँ पूनम, कोई बात नहीं बेटा, 191 है तो 191, ठीक है। चार चार कंट्री गलती से ज्यादा हुई बेटा, वो वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा, मेरी भावनाओं को समझो यार तुम लोग, ठीक है। चार कंट्रीज को ज्यादा कर दिया मैंने गलती से। हाँ देखो 191 है, ठीक है। ये वैसे भी नहीं पूछेंगे बेटा एग्जाम में, डोंट वरी एट ऑल। मैं आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यस हाँ, तो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी क्या बोल रहे हैं। पॉल बल्की इज द चेयर और उल्फ मार्क स्नाइडर इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, ठीक है। सीईओ ऑफ द कंपनी कौन है? उल्फ मार्क स्नाइडर। ये भी आएगा, यस ये भी आएगा बेटा, ये भी आएगा। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस, ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिए। Nestle is a Swiss transnational food and drink company. It's the world's largest food, nutrition, health and wellness company. Example में, exam में, MCQ के लिए, world's largest food, nutrition, health and wellness company. World's largest food, nutrition, health and wellness company. World's largest food, nutrition, health and wellness company. जी हाँ, it is the world's largest food company. Yes. देखना यहाँ पर. Largest food company in the world. Gunjan Nehate पूछ रही है सर, important case study कौन सी है? Gunjan Nehate पहली बार आया हूँ क्लास में आज? If yes, please let me know. पहले तुम मुझे बताओ कि पहली बार आज क्लास में आए हो क्या, फिर मैं बताऊंगा आंसर इसका। Largest food company in the world. Yes. अब देखना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। Nestle invests around 1.5 billion. ये उनकी करेंसी है बेटा, CHF उनकी करेंसी है, in research and development every year. तो ये, अरे जितना ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे उतने ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स होंगे। तो बस उन्होंने वही किया ना, उन्होंने हमेशा नए नए प्रोडक्ट और लोगों की क्या डिमांड है उस पर उन्होंने समझने की कोशिश करी, ठीक है। उस पर उन्होंने समझने की कोशिश करी एंड अकॉर्डिंगली ये हमेशा क्या करते गए, अकॉर्डिंगली हमेशा नए नए प्रोडक्ट लेकर आते रहे, और इसीलिए आज ये इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। गुड फूड गुड लाइफ इनका मिशन है, और इनको सबसे बेस्ट न्यूट्रिशियस कंपनी बननी है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? गुड फूड गुड लाइफ इज टू प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द बेस्ट टेस्टिंग मोस्ट न्यूट्रिशियस चॉइस इन द वाइड रेंज ऑफ फूड एंड बेवरेज कैटेगरीज and eating occasions from morning to night. क्या बोल रही है? सुबह से लेकर रात तक तुम लोगों ने हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए, राइट? यस, तो ऐसा ये कंपनी सोचती है, राइट? Nestle was founded in 151 years ago as a Anglo-Swiss condensed milk company. मैंने क्या बोला? मिल्क कंपनी थी पहले, ध्यान दो, क्या मिल्क कंपनी थी पहले ये, बाय द स्विस कन्फेक्शनर हेनरी नेस्ले इन 1866। इन ऑगस्ट 1867 चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज एस्टैब्लिश अ एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क कंपनी इन चाम स्विट्जरलैंड। तो ये दो कंपनी थी पहले अलग अलग, एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क वाली कंपनी थी और ये दूसरी कंपनी थी, और एक किसकी? चार्ल्स की, चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज की, ठीक है।
लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार अपन अलग अलग धंधा क्यों कर रहे हैं, अपन फिर एक ही हो जाते हैं। तो बाद में नेस्ले मर्ज विद द मिल्क चॉकलेट इन्वेंटर डैनियल पीटर एंड इन 1905 द कंपनी इज मर्ज टू बिकम नेस्ले एंड एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी। तो बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हेनरी नेस्ले, हेनरी नेस्ले और उसके बाद एक और कंपनी थी, फिर उन्होंने बोला कि अपन एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या करते हैं साथ में आकर मिलकर धंधा करते हैं एंड बहुत बड़ा करेंगे, इसको बहुत बड़ा करेंगे, ठीक है। सर कैन आई टेक प्लस नाउ? ऑफ कोर्स ले सकते हो बेटा, अक्षदीप ले सकते हो बिल्कुल। एंड अभी भी तुम्हें कितना टाइम है एग्जाम के लिए कैलकुलेट कर देना, देखना दिसंबर में प्रोबेबली एग्जाम होगी आपका, आराम से सारा पोर्शन कंप्लीट होगा, मिशन सक्सेस है। एकाग्रता रिकॉर्डेड देखना देख सकते हो, आरटीपी एमटीपी की बैच भी अटेंड कर सकते हो और बाद में एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर सकते हो। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट इफ यू वांट टू, राइट? यस, एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब देखना यहाँ पर, सर टेंशन आ रहा है एग्जाम का, अरे टेंशन मत लो बेटा, चंदन भाई टेंशन मत लो। यस, अभी बच्चा पूछ रहा है सर ये फिलोसॉफी भी करना है क्या और ये भी करना है क्या, फिलोसॉफी भी करनी है क्या, कौन है ये पूछने वाला? गौरव विज तुम पहली बार आए हो क्या बेटा कक्षा में? मैंने टिक किया ना सिर्फ इसको। अरे भाई मैं जो जो एमसीक्यू लिखता हूँ वही करने का रहता। अरे तुम लोग क्या करोगे रे, मतलब क्या सीए फाउंडेशन देगा रे तू? हाँ तू पुराने लेक्चर देखते हो क्या? मैं पूरी कंपनी तो पढ़ूंगा ना भाई पढ़ाने के लिए तुमको, या वो भी नहीं पढ़ू सिर्फ एमसीक्यू बताओ आगे बढ़ू। जिधर एमसीक्यू लिखा है इधर एकदम इतना वही एग्जाम में पढ़ने का, उसके अलावा मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं आएगा। हाँ ऐसे मेरा मानना है और ऐसे हुआ है, जितना मैं मार्क करवा कर देता हूँ उसी में कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुमको जितना पढ़ने का है पढ़ो। अभी इस चैप्टर को लेकर अपने को कितने दिन हो गए? हाँ अपन हर चैप्टर कर रहे हैं, हर चैप्टर में ऐसे फालतू सवाल पूछोगे क्या? जो एमसीक्यू मैंने नहीं लिखा मतलब वो नहीं करने का है, जो लिखा मतलब वो याद रखने का है, दैट्स इट। यस चलिए, कैसे हो यार तुम लोग, इतने बड़े हो गए सीए फाउंडेशन, क्या सीए की एग्जाम दोगे तुम लोग? कोई बात नहीं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए होगा। यस आगे बढ़ते हैं आगे। अरे इतना पूरा लिखकर दिया है, ऐसे दुनिया में कोई लिखकर देता भी नहीं है तो, ठीक है। तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे है कि तुमको इतना भारी टीचर मिला है, ठीक? यस। और उसमें से पूछते हो ये भी आएगा क्या? नहीं बेटा मैं तुम्हारा पेपर ही देकर आता हूँ ना अभी, नहीं पेपर ही देकर आता हूँ मैं तुम्हारा। हाँ यही बता है जिंदगी में अभी। अब देखो यहाँ पे सर, जून 22 का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया आज। अच्छा बेटा पूनम आया है आज, मेरे को तो पता ही नहीं था बेटा, मैंने डाल भी दिया है वो पता है ना सब, सबको पता चल गया वो, तुम पुरानी खबर दे रहे हो अभी। हाँ पूनम बेटा ऐसे क्या कर रहे हो बेटा तुम, न्यूज बहुत पुरानी हो गई वो अभी। यस इट इज ओल्ड न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके पोर्टफोलियो में देखना कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यस कुकी डॉग एक ऐसा वो है बिस्किट टाइप से, कुकी डॉग, देन मैगी नूडल्स, नेस्कैफे, किटकैट, स्मार्टीज, नेस्क्यू, स्टॉफर्स, विटल, देन मिल्कमेड। देखो मिल्कमेड बेटा, मिल्कमेड कार्नेशन आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड द ब्रांड्स ऑफ द नेस्ले, ठीक है। अब देखना यहाँ पर बेटा, नेस्ले वाटर्स भी है। हाँ नेस्ले वाटर्स भी है, इनके देखते हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं। नेस्ले वाटर्स भी है बेटा, मैं सब चैट देख रहा हूँ बेटा, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर चाहे वो स्पेशल हो, ध्यान दे दो। सीरियल वर्ल्ड वाइड पार्टनर है, यस, हेल्थ साइंस में है, नेस्कैफे में है, पेट केयर में है। देखो मैंने बोला ना कुत्ते के भी प्रोडक्ट्स है, हाँ डॉग्स के भी प्रोडक्ट्स है, डॉग्स पेट केयर्स में भी है।
ये स्किन हेल्थ में भी है, स्किन हेल्थ, सीटाफिल। सीटाफिल आई गेस ये लड़कियों को पता होगा, सीटाफिल ये क्लींजर होता है एक, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर रेकमेंड भी करते हैं। ठीक है, यस। तो यहां पर बच्चा पाती, ये स्किन केयर में भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ही काम करती है। इनके और भी तुमको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं, और वो है ये, सीरियल पार्टनर जनरल मील्स, बेवरेज पार्टनर कोका कोला, देन नेस्ले कोलगेट पामोलिव, इनका 50-50 है, जनरल मिल्क के साथ 50-50 है, कोका कोला के साथ है। आपको पूछा जाएगा कि इनके बेवरेज पार्टनर कौन है, कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। सीरियल पार्टनर कौन है, जनरल मील्स, और कोलगेट पामोलिव के साथ भी इनका है, जी हाँ 50-50 है, यस। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, यस। यस यस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कहा है चंदन राज ने। जो एकदम रईस लोग होते हैं, रईस लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो डॉक्टर के पास जाते हैं स्किन के लिए, तो उन रईस लोगों को डॉक्टर क्या रेकमेंड करता है कि तुम साबुन से चेहरा नहीं धोने का, तुम सीटाफिल से करने का, सीटाफिल, ठीक है, सीटाफिल, राइट। तो ऐसा होता है, तो सीटाफिल बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। अरे छोटा सा 100 ml का बॉटल उसका 300 रुपए का आता है, 100 रुपए का बॉटल छोटा सा 300 रुपए का आता है, 300, यस। अच्छा, वो रैशेस बोल रहा है, वो रैशेस बोल रहा है, मैं रईस बोल रहा हूँ ना, वो रैशेस बोल रहा है, मैं रईस बोल रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों के पास होता है, बड़े बड़े लोगों के पास, राइट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो देखना बच्चा पार्टी, यहाँ पर सर आपको कैसे पता है बेटा, मेरे को सब पता होता है मेरे को सब पता होता है, ठीक है, मैं पूरी की पूरी इंक्वायरी कर कर आता हूँ, पढ़कर आता हूँ मैं, मेरे पास है नहीं, ठीक है। आप तुरंत अभी ये मत समझना सर आपको कैसे पता, मतलब आप भी यूज करते रहोगे, मतलब आप भी, बहुत पैसा है आपके पास, नहीं बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, यस। ओके, तो देखना है बच्चा पार्टी यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या एमसीक्यू याद रखने हैं, हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, यस। आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करवा देते हैं फिर से। इतने में तो पूरे घर का साबुन आ जाएगा सर, बिल्कुल सही कहा बेटा, यस। अब देखना है यहाँ पर, नेस्ले ये कंपनी कौन से साल में शुरू हुई थी, 1866 में नेस्ले शुरू हुआ था, जी हाँ। नेस्ले के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वीवी स्विट्जरलैंड में है, कहाँ पर, वीवी, वीवी स्विट्जरलैंड। नेस्ले के चेयरपर्सन कौन है, नेस्ले के चेयरपर्सन पॉल बल्की है। नेस्ले के सीईओ कौन है, नेस्ले के सीईओ उल्फ मार्क स्नाइडर, उल्फ मार्क स्नाइडर, उल्फ मार्क स्नाइडर, यस। नेस्ले, नेस्ले, नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट्स का नाम आपको पूछा जा सकता है, तो आपको प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए, जी हाँ, तो बोल देना, सेरेलैक, सेरेलैक, देन मैगी, ठीक है, मिल्कमेड, कुकी डॉग, राइट। आपको पूछा जाएगा गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ, ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है, ये कौन सी कंपनी का स्लोगन है, तो आपको बताना होगा, गुड फूड गुड लाइफ नेस्ले कंपनी का स्लोगन है, यस यस। फिर आपको पूछा जाएगा कि इनके इनके बेवरेज पार्टनर कौन है, कोका कोला, कोलगेट पामलिव के साथ की 50-50 का पार्टनरशिप है, जी हाँ। सीरियल पार्टनर्स इनके जनरल मिल्स है, जनरल मिल्स, सो जनरल मिल्स कोका कोला कोलगेट पामोलिव याद रखना, जनरल मिल्स कोका कोला कोलगेट पामोलिव याद रखना, जी हाँ सर याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। दैट्स इट गाइस, वी आर डन विद द नेस्ले कंपनी, वाओ दैट्स अमेजिंग सर, वी आर डन विद दिस गाइस। व्हेन डिड नेस्ले, हाँ एक एक और सवाल है बेटा, नेस्ले इंडिया में कब आया था, नेस्ले इंडिया में कब आया था, नेस्ले इंडिया में आया था 1923 में, 1923
नेस्ले इंडिया में कब आया था बेटा? 1923 में नेस्ले इंडिया में आया था. जी हाँ, कहां पर गया वो? कहां पर गया वो? यस, नेस्ले केम टू इंडिया इन 1923. नेस्ले केम टू इंडिया इन 1923. वो तब किसी ने मुझे बातों में लगा दिया था तब. हाँ, किसी ने तब मुझे बातों में लगा दिया, उसके कारण ये छूट गया. राइट, नेस्ले केम इन इंडिया इन 1923. कौन से साल में? 1923 में. राइट राइट, तो चलिए बेटा अभी दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हैं हम लोग. दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हैं हम लोग. जी हाँ, कौन सी कंपनी सर? कौन सी कंपनी सर? टाटा टाटा टाटा. यस, तो टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है. मुझे टाटा के बारे में एक्चुअली बहुत कुछ कहना है आप लोगों से, किसी और दिन का होगा. आज अगर थोड़ा बहुत हो पाया तो आज बोलूंगा. टाटा की मैंने एक बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है, लेकिन वो अभी अभी नहीं है मेरे पास, वो दूसरे लैपटॉप में है, इसलिए वो पेंडिंग है. अदरवाइज मैं आज आपको बताता था बेटा. टाटा बहुत ही मतलब बहुत ही, जितना उनके बारे में बातें करें ना उतना कम है, जितना उनके बारे में बातें करें उतना कम है. ठीक है, तो ये कंपनी बेटा किसने शुरू करी थी? जमशेदजी टाटा ने कंपनी को शुरू किया था. यार टाटा एक ऐसा ब्रांड है ना, मतलब जो जो कि लोगों के दिलों में है, जो कि लोगों के दिलों में है, ऐसा ब्रांड है ये. तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम बिलीव नहीं करोगे टाटा की कितनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. कम से कम 29 कंपनी टाटा की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. 100 से ज्यादा कंपनीज है इनकी, 100 से ज्यादा कंपनीज है उनकी. कितनी? 100 से ज्यादा. मतलब टाटा जो है ये अपने आप में ये एक ऑलराउंडर है. ऐसा क्या नहीं है जो टाटा नहीं बेचता? मतलब आई गेस एवरीथिंग, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा मतलब टाटा कॉफी है, क्या नहीं है यार. टाटा इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बहुत कुछ है टाटा का, बहुत मतलब बहुत हर एक चीज में. ये वोल्टास का एसी टाटा का है, क्रोमा का ब्रांड टाटा का है, टाटा केमिकल्स, टाइटन किसका है? टाटा का है. टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यस. तो ये अलग अलग क्षेत्र में है, ये अलग अलग क्षेत्र में है. यस 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 यस. आई गेस ये सुनील पांडे कौन है, पता नहीं कौन है ये, जो भी है ऐसे बीच में से कभी भी आएगा तो कुछ भी लिखेगा क्या भाई, संभाल अपने आप को. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. ताज होटल किसका है? ताज होटल टाटा 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 टाटा. यस यस, तो यहां पर देखना बच्चा पार्टी, टाटा ये कंपनी कब शुरू हुई थी? आजादी से पहले 1868 में ये कंपनी शुरू हुई थी. हाँ, 1868 में ये कंपनी शुरू हुई थी. और गाइस जो भी नए न्यूकमर थे यहाँ पर, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा निकिता ने. ठीक है, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर बीच में जुड़ रहे हैं, ठीक है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या भाई? एक सेकेंड, उन सारे बच्चों के लिए जो न्यूकमर होते हैं भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ एक सेकेंड, मेरे को कुछ बोलना है. जो भी मतलब देखेगा ना ये बात में, रिकॉर्डेड भी देखेगा ना, उसको समझना चाहिए. ठीक है, अब देखना भाई, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए ये एक मेरा फरमान है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक फरमान है. हमने ये चैप्टर को शुरू कर टाइम हो गया. ठीक है, हमें ये चैप्टर को शुरू करने में टाइम हो गया. हम ये चैप्टर कौन से अप्रोच से शुरू कर रहे हैं, ये इसका रैशनल है, पहले एक दो लेक्चर में दिया गया होता है. ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, नोट्स कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी है. तुम लोग आते हो बीच में से, वो भी लेक्चर के स्टार्ट से नहीं, और बीच में से आकर बैठते हो 5 मिनट, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुमको सब कुछ समझ में आएगा. अरे भाई, मतलब ये जो बच्चे रेगुलरली जो देखते हैं वो क्या पागल है क्या? हाँ, हमारा कुछ फ्लो है भाई, हमारी कुछ प्लानिंग है. हाँ,
5 मिनट में आकर तुम बोलते हो अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर जनरल नॉलेज भी ले रहे हैं। हाँ हम लोग यहाँ पर जनरल नॉलेज भी ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पर पूरा सब कुछ क्लास में ही रिवाइज करते हैं, क्लास में ही सब कुछ एमसीक्यूज हो जाते हैं। अगर तुम में इतने पेशेंस है तो इस क्लास में रुको, नहीं है तो मत रुको, कहीं पर तो पीडीएफ कलेक्ट कर लेना और रट्टा मार लेना। हमारी क्लास में हम लोग जो करते हैं वो पढ़ाई से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग नॉलेज गेन करते हैं और नॉलेज गेन कर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ रटते नहीं है, हम लोग यहाँ पर समझते हैं चीजों को। ठीक है, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो दिल से पढ़ाता हूँ। हाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि धड़ 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 आ गया पढ़ाकर चले गया कुछ भी। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पर बहुत कायदे से और तरीके से पढ़ते हैं। राइट, नहीं नहीं अरे ये बोलना क्यों जरूरी था, बाद में जो भी बच्चा देखेगा बीच में से उसको भी समझ में आना चाहिए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं इनका लेवल अलग लेवल का एटीट्यूड होता है भाई, पढ़ेंगे 10 मिनट और लोगों को ज्ञान सिखा के जाएंगे 15 मिनट। ठीक है, ये कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं ना स्पैमर वाले बच्चे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सो गाइस यहां पर देखना, सर आज स्पेशल क्लास की चैट रीड नहीं कर रहा हूँ बेटा, सब कुछ रीड कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा था साइड में तेरे को, ध्यान दे अभी चल। 1868 में कंपनी शुरू हुई थी। हाँ 1868 में कंपनी शुरू हुई थी। फिर बॉम्बे में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। जी हाँ मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है, आमची मुंबई। कहाँ पर? आमची मुंबई। ठीक है, यहां पर देखिए नटराजन चंद्रशेखरन इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द कंपनी। जी हाँ नटराजन चंद्रशेखरन इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये कंपनी जो है ये लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी इन इंडिया है। क्या? लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉन्ग्लोमेरेट, सर कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या? कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या? इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो बहुत सारे बिजनेसेस में है और जिसके बिजनेस एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ऐसी कंपनी जो बहुत सारे सेक्टर्स में है लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। मतलब टाटा केमिकल्स है और टाटा नमक है। जी हाँ, फिर टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा कॉफी है, टाटा इन्वेस्टमेंट्स है। तो एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? नहीं। तो इनके 100 से ज्यादा इनकी कंपनीज है, 29 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऑलमोस्ट 29 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ ठीक है, सो यहां पर देखिए वहां पर क्या, इनकी फिलोसॉफी क्या है यार? ये वैल्यूज में बड़ा बिलीव करते हैं। किसमें? वैल्यूज में। सो इनकी फिलोसॉफी क्या है? ये काफी वैल्यू ड्रिवन है। टाटा इज द मैन ऑफ एथिक्स, रतन जी टाटा इज द मैन ऑफ एथिक्स। और इनकी 5 कोर वैल्यूज है, क्या है? पायनियरिंग, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पायनियरिंग? पायनियरिंग मतलब सबसे पहले कुछ ना कुछ करना, सबसे पहले कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना या फिर कुछ नया लेकर आना। अरे इनफैक्ट आपको ये भी बताता हूं कि अगर किसी बाहर की कंपनी को इंडिया में आना होता है तो सबसे पहले अगर उसको देखना होता है कि कौन एग्री करेगा मेरी आइडिया को, तो टाटा के पास जाता है। ठीक है, तो अब ये स्टारबक्स बाहर का था, वो इंडिया में है टाटा के साथ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनको इंडिया में आना था, आईबीएम उसको इंडिया में आना था तो वो सबसे पहले टाटा के पास आया, टाटा के साथ जॉइंट वेंचर कर आया। तो टाटा बहुत सारे नए बिजनेसेस में भी पैसा लगाता है, बहुत सारी नई नई चीजें टाटा लेकर आता है और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स करता है। ठीक है, सो टाटा बिलीव्स इन पायनियरिंग,
believes in integrity, believes in excellence, unity and responsibility, right? बहुत सारे लोगों के साथ टाटा का कोलैबोरेशन होता है. जी हाँ, बीच में न्यूज आ रही थी कि इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क ठीक है, टेस्ला टेस्ला टाटा इन्वेस्ट करने वाला है बोले, टाटा और टेस्ला दोनों साथ में मिलकर, ऐसा न्यूज आया था ईवी में ठीक है, कि टेस्ला और टाटा साथ में आ रहे बोले, टेस्ला और टाटा साथ में आ रहे बोलकर ठीक है. यस, तो देखना बेटा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. मिशन इनका क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी वी सर्व ग्लोबली थ्रू द लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू बेस्ड ऑन द लीडरशिप विद ट्रस्ट. अब देखना यहाँ पर ये कौन से सेक्टर्स में है. अरे साहिल तेरे को हुआ क्या बेटा, ध्यान देना, नाराज हो गया मुझसे, बात नहीं करते मुझसे, क्या क्या सवाल पूछ रहा है तू, ध्यान देना भाई, पढ़ाई पर ध्यान दे. अभी क्या एक एक इंसान का नाम लू क्या मैं, टेंशन मत ले, मैं किसी से कुछ नाराज वाराज नहीं रहता हूँ ठीक है. ऐसे नाराज रहने लग गया मैं तो पढ़ाई कब होगी, ध्यान दे भाई. रो रहा है वो साहिल, सर आप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, आप मेरे से नाराज हो गया. चलिए ध्यान दो. अरे मैं नाराज नहीं हूं बेटा. कम्युनिकेशन एंड आईटीज ठीक है, फिर सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, कंज्यूमर रिटेल में भी है, डिफेंस में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, राइट. यस, रियलिटी में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो देखो भाई तुम लोग, अगर तुम लोगों ने जिंदगी में 2020 में ना, 2020 जब कोरोना था तब तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं भी करते थे, और सिर्फ 2020 में अगर तुम टाटा के 20 कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देते थे ना, टाटा के 20 कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देते थे ना, तुम्हारा पैसा डबल हो जाता था, डबल. कुछ भी नहीं, डबल हो जाता था पैसा अगर टाटा के 20 कंपनी में भी इन्वेस्ट करते थे तो. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पर तुरंत ही, अरे कौन है ये, चंदन राज तेरा समय आ चुका है बेटा, चंदन राज का समय आ चुका है. मैं पढ़ रहा हूँ विप्रो के, मैं पढ़ रहा हूँ टाटा के बारे में, वो बोल रहा है सर विप्रो 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 विप्रो. अरे क्या विप्रो, पहले ये तो कर ले भाई, तेरे हिसाब से पढ़ाओ क्या मैं. चलिए ध्यान दो, आरआईपी चंदन, उसका समय आ चुका था बेटा. चलिए तो टाटा बेटा यहां पर देखना, इनके रैंक वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इसमें बहुत कम है, एमसीक्यूज बहुत कम है, लेकिन कंपनी बहुत भारी है ठीक है. एमसीक्यूज बहुत कम है लेकिन लेकिन ये कंपनी बहुत भारी है. अपने को इस कंपनी में क्या क्या याद रखना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ 3-4 एमसीक्यू बेटा, इस कंपनी के 3-4 एमसीक्यू, ज्यादा नहीं है. क्या क्या है, क्या क्या है, 1868. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1868 और 1968 और 1866 को लेकर. तो 1866 नेस्ले है, 1868 टाटा है, याद रखना 1868 जो है वो कौन है, इनकॉर्पोरेशन क्या टाटा का, और 1866 नेस्ले है ठीक है. सर ये चंदन हमेशा स्पैम करता है सर, अच्छा चंदन हमेशा स्पैम करता है क्या, अच्छा ऐसे ही है क्या, वो कल भी ऐसे ही कर रहा था सर स्वाति मैम की क्लास में, अच्छा तो ऐसे क्यों करता है ये, हाँ समझते नहीं क्या भाई को, स्पैम बॉय है क्या वो, अच्छा ओके ओके ओके, बॉन्ड स्पैमर ओके. चलिए कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, हो गया ठीक है. 1868 याद रखना, बॉम्बे याद रखना ठीक है, मुंबई, नटराजन चंद्रशेखरन याद रखना, और ये लार्जेस्ट कंपनी है, कौन सी, कॉन्ग्लोमेरेट, लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट ठीक है.
अरे इतिहास से क्या क्या सवाल पूछती है इतिहास से भाई साहब, इतिहास एक, अरे क्या सवाल पूछ रहे हो तुम? सिस्टम होता है कंपनी से, इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रतन टाटा नहीं रहेंगे तो बोले क्या गवर्नमेंट के अंदर सारी कंपनी जाएंगी क्या? अरे कुछ भी बोलते हो तुम, ऐसा नहीं होता है बेटा। अतिया अतिया क्या पूछ रहे हो यार बेटा तुम क्वेश्चन? आर्टिफिशियल कंपनी होती है ये वो सोल प्रोपराइटर क्या वो? हाँ सोल प्रोपराइटर क्या वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, चेयरपर्सन अपॉइंट करे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कहां पर गया चंदन? ये ले चंदन, तेरा विप्रो आ गया, लेकिन तू नहीं रहा अभी, ठीक है? तेरी कंपनी आ गई, लेकिन विप्रो, विप्रो सिखाओ, विप्रो सिखाओ, ले विप्रो भाई। नहीं लेकिन आज विप्रो नहीं करेंगे, रुको, विप्रो नहीं करेंगे आज, आज अपन छोटी सी कंपनी दूसरी करेंगे, एलएनटी करेंगे, एलएनटी, ठीक है? एलएनटी एलएनटी कौन सी कंपनी है सर? लार्सन, लार्सन, लार्सन। अ पर्सन में कम एंड अ पर्सन में गो, बट अ कंपनी विल लिव फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। जी हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये क्या है? एलएनटी, एलएनटी बच्चों को लगता है कि ये बाहर की कंपनी है, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं एलएनटी इंडिया की कंपनी है बेटा, एलएनटी इंडिया की कंपनी है। इसका नाम ऐसा है लार्सन एंड टुब्रो, लेकिन ये दो डानिश इंजीनियर्स ने बाहर से आए थे ये, और बाहर से आकर इंडिया में कंपनी शुरू करी। आजादी से पहले कंपनी शुरू करी इन्होंने 1938 में। कब? 1938 में ये कंपनी शुरू करी थी इन्होंने। अरे बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया ना एलएनटी का, बहुत बड़ा हाथ था उसमें, एलएनटी का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया था, यूनिटी। यस, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है ये, बहुत सारे सेक्टर्स में भी काम करती है। मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और इन्होंने आजादी से पहले ही ये कंपनी शुरू हो चुकी थी। जी हाँ देखना, यहाँ पर 1938 में ये कंपनी शुरू हुई थी, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है। अनिल भाई नायक इज द चेयरपर्सन एंड एस एन सुब्रमण्यम इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, ये दोनों याद रखना है। जी हाँ 1938 में कंपनी शुरू हुई थी, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है। अनिल भाई, अनिल मणि भाई नायक इज द चेयर एंड एस एन सुब्रमण्यम इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, ठीक है? यस। अब देखना बच्चा पार्टी यहां पर, अब देखना बच्चा पार्टी यहां पर, लार्सन एंड टर्बो इज द मेजर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमेरेट विद द ग्लोबल ऑपरेशंस। एलएनटी एड्रेसेस क्रिटिकल नीड्स इन द की सेक्टर्स, हाइड्रोकार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोसेस इंडस्ट्री, डिफेंस। मतलब ये हैवी इंजीनियरिंग में काम करती है सारी, हैवी इंजीनियरिंग मतलब वो क्रेन्स एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, हाइड्रो, हाइड्रोलिक्स, इन सब में ये कंपनी है, ठीक है? इन सब में ये कंपनी है। एंड पावर प्रोसेस इंडस्ट्री, डिफेंस, ठीक है? द कंपनी फुट मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स अक्रॉस 8 कंट्रीज इन एडिशन टू इंडिया, एंड द कंपनी हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेस एंड हैज वर्ल्ड वाइड and offices worldwide. It was founded in 1938 by two Danish engineers taking refuge in India. Two Danish engineer taking refuge in India. Sir, ये याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ एकदम टेंशन नहीं देने का बेटा, कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या करने का? फिर काट देने का ही है, ऐसे काटो मगर प्यार से, काटो मगर प्यार से, ठीक है? अपने को ये सिर्फ पढ़ने का है, लेकिन याद कुछ नहीं रखने का, ठीक है? ये वाला चीज याद नहीं रखने का, काटो मगर प्यार से। अब देखना है यार,
विजन क्या है? L&T is professionally managed by the Indian multinational committed to the total customer satisfaction and enhancing the shareholders value. ये भी याद रखना है? No. ये भी याद नहीं रखने का है. Oh my God, 130 subsidiary companies and 15 associate companies हैं इनकी. कितनी बड़ी कंपनी है ये? 130 subsidiaries? जी हाँ. देखना बेटा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या करती है. कंस्ट्रक्शन में है, इलेक्ट्रिकल में है, हेवी इंजीनियरिंग में है, हाइड्रोलिक्स में है, हाइड्रोकार्बन में भी है. हाँ, हाइड्रोकार्बन में भी है, आईटी में भी है, मटेरियल में भी है, पावर में भी है, रबर में भी है, शिप बिल्डिंग में है, टेक्नोलॉजी में है. ओ माय गॉड, कितने सारे काम कर रही है कंपनी. Yes. कितने सारे काम कर रही है कंपनी. और आपने को क्या देखना है? ये भी नहीं देखना है. अब देखना यहां पर, L&T ने 2019 में इनॉग्रेट किया था क्या? मेट्रो एक्सप्रेस इन अफ्रीकन आइलैंड, ठीक है, बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मॉरिशियस एंड श्री नरेंद्र मोदी जी एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार ऑफ द मॉरिशियस. तो यहां पर अफ्रीका में जो मेट्रो बना था उसका इनॉग्रेशन हमारे मोदी जी ने किया था और मॉरिशियस के जो प्रवीण कुमार है उन्होंने मिलकर किया था और वो L&T ने प्रोजेक्ट बनाया था. L&T ने, राइट? यस. और नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी उनका भी, वहां पर भी हाथ किसका था? L&T का था. वहां पर भी हाथ L&T का था, जो मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, T2 टर्मिनल, राइट? वहां पर भी किसका हाथ है? हमारे L&T का हाथ था, राइट? यस. तो बच्चा पार्टी, हम आपसे कहना चाहते हैं ये बहुत ही लिमिटेड चीज है, इसमें याद रखने लायक बहुत लिमिटेड है. एक और कंपनी होगी बेटा, कितने हैं यहाँ पर? सिर्फ MCQ 6 MCQs हैं, 6 भी नहीं, एक्चुअली पांच ही हैं. क्या क्या याद रखोगे? 1938 याद रखोगे? जी हाँ सर, 1938 याद रखेंगे. क्या उसके बाद आप लोग मुंबई याद रखोगे, अनिल भाई को याद रखोगे और एस एन सुब्रमण्यम को याद रखोगे और वो जो था ना मॉरिशियस का जो मेट्रो था वो किसने इनॉग्रेट किया वो याद रखना. दैट्स इट गाइस. आर यू गेटिंग इट? यस सर. अभी आ चुका है हमारा रिविजन टाइम. लास्ट के 3 कंपनी हम लोगों ने कर दी है, अभी पीछे की कुछ कंपनी करेंगे आज. तो आर यू एक्साइटेड फॉर द रिविजन? ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि इसमें से सारी कंपनी जो हम लोग पहले करते हैं होता है उसका रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से. और अभी अपन शुरुआत करेंगे बच्चा पार्टी रिवीजन मोड ऑन, ठीक है? यस. आज शुरुआत करेंगे बच्चा पार्टी हम लोग बजाज से, हमारा बजाज, ठीक है? हमारा बजाज, बजाज ऑटो कौन से साल में शुरू हुआ था? बजाज ऑटो 1940 में फाउंड हुआ था. बजाज ऑटो 1945 में इनकॉर्पोरेट हुआ था. बजाज ये राजस्थान में शुरू किया गया था, राजस्थान में. लेकिन बजाज के अभी हेडक्वार्टर्स कुठे आए? बजाज के अभी हेडक्वार्टर्स पुणे में है. बजाज के फाउंडर मेंबर का नाम क्या है? जमनालाल बजाज. बजाज के सीईओ का नाम क्या है? बजाज के सीईओ राहुल इज अ चेयरमैन. राजीव इज द सीईओ. राहुल एंड राजीव राहुल इज अ चेयर राहुल इज द सीईओ. राइट? यस. उसके बाद बच्चे पानी हम आपसे कहना चाहते हैं इसके कुछ. हाँ, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट थ्री व्हील मनु. मनु मतलब मैन्युफैक्चरर. इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर. उसके कुछ गाड़ियों के नाम बताना क्या है? आर ई मैक्सिमा, फिर
platina. Concertina, platina. Where? Discover. Concover, discover. V12, V15, pulsar, 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 pulsar. Then QTE, QUTE, QTE. Then domino, domino, right? Auto rickshaw, Ari Maxima bolte beta usko, Sahil, auto rickshaw bole. Ari Maxima uska naam, rickshaw ka, auto rickshaw mane. Ari Maxima, Ari Compact, wo rickshaw ka naam hai beta. Kya karta hai tu? Chetak gaadi bhi kiski hai? Chetak, 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 chetak. Yes, that's it guys. Dandanadan. Dandanadan. Okay. Flow flow mein koi baat nahi beta. Flow flow mein galat mat karna exam mein bas. So. Dusri company bacha party hum log yahan par kar rahe hain Walmart jiska naam hai Walmart. Bataiye mujhe bahut hi tezi se humko ye company karni hogi kyunki bahut sare MCQs hai isme. 1962 mein ye company found hui thi. 1969 mein ye company incorporate hui thi. 1972 mein ye company stock exchange pe list hui thi. 2009 mein ye company India mein aayi thi. India mein ye company kahan par aayi thi? Amritsar mein aaya tha ye company. Ji haan, inke jo company ka slogan kya hai? Inke company ka slogan hai save money live better. Save money live better. Theek hai, save money live better. Save money live better. Save money live better. Theek hai, yes. Inke headquarters kahan par hai? Inke headquarters hai Arkansas. Arkansas, US Arkansas में इनके headquarters हैं. जी हाँ, US Arkansas में इनके headquarters हैं. ये company के जो founder member हैं, उनका नाम है भैया Sam, भैया Sam Walton, Sam Walton. ये company के जो chairperson हैं, उनका नाम है Greg, भैया Greg Pinnard, Greg Pinnard, Greg Pinnard. ये company के जो CEO हैं, उनका नाम है Doc Macmillan. क्या है? Doc Macmillan. कौन सा मिलन? Macmillan, Macmillan. ठीक है. और ये company के जो India के head हैं, उनका नाम है Mr. Samir. समीर अग्रवाल, समीर अग्रवाल, राइट? यस. ये कंपनी जो है, ये एक रिटेलिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है. रिटेलिंग, रिटेलिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है ये कंपनी. ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया. इस कंपनी ने बोनोबोस को एक्वायर किया. इस कंपनी ने jet.com को एक्वायर किया. इस कंपनी ने HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ को ब्रांडिंग किया. HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ को ब्रांडिंग भी किया. हाँ, ये कंपनी रैंक वन पर है फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिस्ट में. रैंक वन पर ये कंपनी है. जी हाँ, ये कंपनी इंडिया में नाइन स्टेट्स में, नाइन सिटीज में है. नहीं, सॉरी, नाइन स्टेट्स में है और 19 सिटीज में है. इंडिया में 19 सिटीज में. इस कंपनी के स्टोर का नाम क्या है? इस कंपनी के स्टोर का नाम बेस्ट प्राइस है. बेस्ट प्राइस है. जी हाँ, क्योंकि हर एक वर्ड एमसीक्यू होता है. हर एक चीज जो मैंने लिखी है बेटा यहाँ पर, वो है एमसीक्यू. हर एक चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है, वो है एमसीक्यू. हर एक चीज, हर एक चीज मतलब हर एक चीज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी एप्पल की तरफ. एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे अ रिविजन अ डे. ठीक है, कीप्स योर एग्जाम फियर अवे. अ रिविजन अ डे कीप्स योर एग्जाम फियर अवे. तो यहां पर 1976 में एप्पल फाउंड हुआ था. 1977 में एप्पल इनकॉर्पोरेट हुआ था. फिर यहां पर हम कहना चाहते हैं कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर्स हैं. कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर्स हैं. इनके जो फाउंडर मेंबर का नाम है वो है SSR, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. नहीं, इट इज स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक एंड रोनाल्ड वेन. स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक एंड रोनाल्ड वेन. स्टीव जॉब, स्टीव वोजनाइक एंड रोनाल्ड वेन. तो यहां पर बच्चा पार्टी ये कौन है? ये है फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी. ये फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी. इनके सीईओ का नाम क्या है? इनके सीईओ का नाम है टिम कुक. क्या नाम है? टिम कुक. कुक 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 कुक, टिम कुक. ठीक है, यस. कौन है ये? सीईओ है. ये कौन है? फाउंडर मेंबर है. फाउंडर, 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 फाउंडर. और यहां पर मिस्त्री है. मिस्त्री कौन सा मिस्त्री? लुका मिस्त्री. लुका मिस्त्री, लुका मिस्त्री कौन है? लुका मिस्त्री इज द सीएफओ ऑफ द कंपनी. जी हाँ. इन्होंने कौन सा एप्लीकेशन को एक्वायर किया था? शाज़ाम एप्लीकेशन को इन्होंने एक्वायर किया था. शाज़ाम एप्लीकेशन को. जी हाँ बेटा, शाज़ाम एप्लीकेशन को इन्होंने एक्वायर किया था. हम आपसे कहना चाहते हैं ये कंपनी है दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन वॉल्यूम आफ्टर सैमसंग. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आफ्टर सैमसंग.
ये है दुनिया की सबसे बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू एंड बाय असेट्स, सबसे बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी बाय द रेवेन्यू एंड बाय द असेट्स, राइट? यस, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस सर, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच ड्रैग गेमिंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ. ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. चलिए, एप्पल भी थई गई हो, एप्पल भी थई गई हो. थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट. यस, एक और कंपनी करते हैं बेटा, कौन सी, जिसका नाम है अदानी. अदानी, अदानी 1998. अहमदाबाद, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्स है, गुजरात अहमदाबाद में इनके हेडक्वार्टर्स है. जी हाँ, गुजरात अहमदाबाद में इनके हेडक्वार्टर्स है. जी हाँ, गौतम भाई अदानी, गौतम भाई अदानी. फिर करण भाई अदानी, करण अदानी, ठीक है. फिर दीपक माहेश्वरी, दीपक माहेश्वरी, ठीक है. फिर ये कौन है, ये चेयर है, सीईओ है, सीएफओ है. इसके बाद आपको याद रखना है मुंद्रा. मुंद्रा क्या है, लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है. मुंद्रा को याद रखने का है, SEZ, SEZ क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्या है ये, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है. यस, लार्जेस्ट पोर्ट कहां पर है, मुंद्रा में है. 1998, अहमदाबाद, गौतम भाई अदानी, करण अदानी, दीपक माहेश्वरी. दैट्स इट गाइस, इतना ही आएगा आपको एग्जाम में, अगर पूछेंगे तो इसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा. राइट. ओके ओके, एब्सोल्युटली अमेजिंग. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंपनी, एशियन पेंट्स. दीवारों को अब लगाना हो, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट की कंपनी बेटा, ये क्या है, 1942 में शुरू हुआ था. जी हाँ, 1942 में एक कंपनी शुरू हुआ था. यस, आजादी से पहले ये इंडिया की, इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, लार्जेस्ट पेंट कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, और एशिया की, एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, फोर्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी, ठीक है. मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स है. इनके चेयर को याद रखना, जिनका नाम है अमित सिंघल, अमित सिंघल, राइट? यस, दैट्स इट गाइस, इतना ही है. 200 से ज्यादा साइंटिस्ट इनके, इनके इसमें काम करते हैं, फैक्ट्री में, ठीक है, इंडिया में हर जगह पर, बाहर भी, बाहर के देश में भी ये पेंटिंग करते हैं. जी हाँ, That's so wonderful, guys. So your writing is awesome. Thank you so much. Thank you so much. तो चलिए बच्चा पार्टी, आज यही पर हम लोग रुकते हैं, इतना ही आज के लिए. I hope that आप लोग का revision भी हो गया होगा. Nestle के बारे में एक बार जाते जाते बता देना, Nestle के headquarters कहाँ पर है, VV Switzerland में Nestle के headquarters है. जी हाँ, Nestle कब शुरू हुआ था, 1866 में Nestle शुरू हुआ था. जी हाँ, Nestle, 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 good food, good life, good food, good life, VV Switzerland, VV Switzerland, Ulfmark Schneider, Ulfmark Schneider, that's it, guys. आगे बढ़ते हैं. So let the magic begins. आज यहीं पर खत्म करते हैं बच्चा पार्टी. I hope that you enjoyed the session. And if yes, कल मत भूलिएगा, कल होने वाली है एक मेगा क्विज सुबह 10 बजे, 10 AM in the morning. Tomorrow we are going to have quiz mashup. ठीक है? Yes. तो यहाँ पर बच्चा पार्टी, आप लोग स्पेशल क्लास पर भी ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हो. क्विज मैशअप होने वाला है कल. जी हाँ. ठीक है? Yes. So, let me also tell you guys, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप लोग जा सकते हो, मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस इज मस्ट, एब्सोल्युटली प्लस इज मस्ट, बिकॉज यहाँ पर इसको ले लिया आपने तो आपकी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होती है. सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, यू गेट एक्सेस टू नॉट ओनली वन बैच बट ईच एंड एवरी बैच ओवर देयर. प्राइसेस आर वेरी वेरी रीजनेबल. यू कैन यूज माई कोड दैट इज DAGA10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस. एब्सोल्युटली गाइस, मिशन सक्सेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है. आपके सीनियर्स के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं. जी हाँ, आपके सीनियर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं 10 तारीख को. उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिशन सक्सेस कुछ ही दिनों में शुरू करने वाले हैं. हम लोग फिर से आएंगे बच्चा पार्टी और आपको बताएंगे, ठीक है? तो यस, थैंक यू सो मच. यू कैन यूज माई कोड DAGA10. यू कैन सिलेक्ट द टेन्योर ऑफ योर चॉइस
and you can just get started with your plus classes. Dhaka 10 is the code. Don't forget to apply my code, that is Dhaka 10. Dhanyawad, Tata, bye bye, take care, see you soon in the next class.